बना दो। राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। हम लोग आए हैं इस्कॉन टेंपल बाबूजी को लेके। इधर चौकड़े हैं, ये बीरू है। क्या खा रही बीरू? और तुम क्या खा रहे हो मोनी? कुछ भी नहीं, चाउमीन खाऊंगा। चाउमीन? चाउमीन खाएगा मोनी। और बाबूजी क्या खाएंगे? दादी आप क्या खाएंगे? हां दादी कुछ नहीं, चाउमीन खाएंगे। हां दादी पानी पूरी खाएंगे। और पानी पूरी पानी पूरी भी मिलता है दादाजी। आप कब की खाएंगे? आप ये अभी गए हैं बीर के पापा लाने टोकन लेके आएंगे। देखते क्या ला रहे हैं वो। डोसा ला रहे हैं कि इडली ला रहे हैं? यहाँ बीरू लगी पड़ी है अपना केक खत्म करने में। ये हमारे हस्बैंड जी का प्रसाद है, रखा हुआ है दलिया। अभी आएंगे तब खाएंगे प्रसाद, उसके बाद तब जो है तो केक खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। मोही और वीरू चाउमीन खा रहे हैं, बाबूजी छेना का रसगुल्ला खा रहे हैं, डैडी हैं, डैडी भी आ गए चाउमीन में। चटनी लगा लीजिएगा अपने लिए। हाँ हाँ चटनी लगा लीजिए, तीखा कर लीजिए अपना चटनी लगा के चाउमीन को। आराम से खाओ बाबू, गिरना में प्लेट लेंगे इतने। हाँ उसी में निकाल लीजिए, इसी में निकाल, कागज़ हटा दीजिए। हाँ उसी में निकाल लीजिए। उधर से इधर कर लीजिए, गिर रहा है किनारे के बीच में। हाँ शाबाश वीरू, समझदार है। मिलाइए चटनी, मिलाइए। हम लोग तीखा खाएंगे हम और आप। अब बच्चों को इसे छोड़ दीजिए बिना चटनी के। प्रसाद है ना, घर ले चलेंगे। तीखा नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा है, बढ़िया है स्वाद, ज़्यादा मसाला नहीं है। अभी
हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोहिवीर ब्लॉग। पता नहीं क्यों ना घर पे काम कर रही थी, मैं खाना बना रही थी, बाबूजी को खाना वाना खिला दी, दाल चावल सब्जी, भिंडी की सब्जी है, चने का दाल है, चावल है, खाना खिला दी बाबूजी को। और पता नहीं क्यों ना मन बेचैन हो रहा था, क्योंकि आज पहला दिन है जो बीरू सुबह के 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में रहेगी, नहीं तो वो 10:30 आ जा रही थी घर पर। तो आज पता नहीं क्यों मन बेचैन था। सुबह भी बीरू खाना भर पेट नहीं खाई थी, क्योंकि उसको दही थोड़ा सा खट्टा लगा, तो दाल चावल दही उसको पसंद नहीं आया, और वो 4 चम्मच खा के छोड़ दी खाना, भूखे आ गई है स्कूल में। मेरा भी मन जो तो एकदम बेचैन है कि वो कब आए तो कब मैं उसको खिला दूँ। तो अभी तो लेके आई हूँ ऑमलेट उसके लिए, गर्मा गर्म रखी हूँ, टिफिन में आएगी तो खिला दूँगी। लेकिन मन में बड़ा अजीब लग रहा था कि बीरू इतनी छोटी बच्ची है, वो भी 2 बजे तक टिकी रह पाएगी स्कूल में। तो इसीलिए मैं 1:15 ही आ गई। एक्चुअली अभी तो आधे घंटे हैं मेरे पास जो स्कूल में मुझे वेट करना पड़ेगा गेट पे ही। तो मैं बैठी हूँ गेट पे, गेट के पास ही अपनी स्कूटी खड़ी करके थोड़ी दूर पे बैठी हूँ। जैसे ही बच्चों को छुट्टी होगी, बीरू आएगी, उसको कुछ खिलाऊँगी, पानी पिलाऊँगी, तभी मुझे तसल्ली हो पाएगी। तो सुबह से मैंने भी ना अपने मुँह में कुछ नहीं डाला, एक दिन का कुछ नहीं खाई हूँ मैं भी। वैसे ही बस जैसे सो के उठी हूँ, ब्रश की हूँ, बस नाश्ता खाना सबका दे रही हूँ, और बाबूजी को भी खाना दे रही थी। उतने ही मेरे हस्बैंड भी आ गए ड्यूटी से, तो वो भी रात भर का जगे ही, रात के 10 बजे गए थे ड्यूटी, और ट्रेन लेके आए, और अब बीच में कोई रेस्ट नहीं, वो आके तो तुरंत अभी सोए हैं, खाना खा के। तो दही रोटी दे दी हूँ मैं उनको, खा के अपना सो गए हैं। अब मैं जाऊँगी यहाँ से दोनों को लेके, बच जाएगा 3, तो 1 घंटे तक और भी ये तो भूखे रहेगी। तो इसीलिए मैं दोनों बच्चों के लिए मुही तो केला खा लेता है, बीरू नहीं खाती है, तो मैंने बीरू के लिए ऑमलेट लेके आई हूँ, और मुही के लिए केला लेके आई हूँ, और अदरक वाला पानी है। देखती हूँ बच्चे जैसे ही निकलेंगे ना छुट्टी में घर पे, तो वैसे ही मैं उसको बैठा खिला दूँगी स्कूटी पे ही। अब फ्रेंड्स क्या किया जाए, या तो घर पर नियम से खिलाया जाए तो 1 घंटे लेट पहुँचेंगे, या फिर सब लोग देखते रहें खाओ क्या करना है, भूख लगी है बच्चा को, बच्चा छपटी आता है ना तो बड़ा ख़राब लगता है, अपना कलेजा मुँह को आ जाता है कि बच्चे के पेट में कुछ जाना चाहिए। और बच्चे मेरे इतने दुष्ट हैं, दुष्ट कहें क्या बोले, मैं मेरी समझ में नहीं आता, वो अपने हाथ से खाते ही नहीं है भरपेट जब तक मैं नहीं खिलाती हूँ। मुझे लगता है ना कि हर माँ जो है तो जब तक अपने बच्चे को नहीं खिलाती ना, तब तक बच्चे भरपेट खाते ही नहीं है। बिस्किट है, काजू है, पता नहीं क्या क्या भर के लेके आई है अपना छोटे टिफिन में, और कहिए मम्मी हम यही खा के जी लेंगे, हम कहे ठीक है भैया चलो। तो बीरू की बदमाशी भी है थोड़ी सी, मनमानी करती है, और क्या करूँ मैं, आने दीजिए देखती हूँ क्या खाई है क्या नहीं। सुबह के टिफिन में मोही को दी हूँ हलवा, सूजी का हलवा, पराठा और एप्पल, और बीरू जो तो एप्पल खाती नहीं है तो उसको एप्पल नहीं दी हूँ, वो जो है तो सूजी का हलवा है, इडली है, पराठा है, गुड़ है, इतनी चीज़ें वो भर के लेके आई है टिफिन में। लेकिन ना मैं देखती हूँ ना कि कभी भी उसका टिफिन खाली नहीं जाता, कभी भी उसका टिफ़िन ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है उसमें। 4 इडली देंगे ना तो 1 ही इडली ख़त्म होगा, बाकी 3 इडली पड़ा रहेगा, जब तक मैं अपने हाथ से नहीं निकाल के दूंगी ना वो नहीं खाएगी। समझ में नहीं आता है यार मैं करूँ तो कैसे करूँ, कैसे मैं हैंडल करूँ इन दोनों को कि ये दोनों बच्चे खाएँ। टेस्ट में कोई कमी नहीं रहता है, कोई भी चीज़ ऐसा ख़राब नहीं बनाती मैं कि मतलब बकवास लगे और थूक दो, इतना बकवास तो नहीं बनाती मैं। इडली को इडली के ही जैसा ना बनाएंगे कि मसाला डोसा बना देंगे, मसाला डोसा बना दो तो वो भी नहीं खाते हैं सब, प्लेन डोसा खाते हैं सब। सांभर बना दो तो सांभर पूरा नहीं खाएंगे सब, बस डुबा खा लेंगे, सांभर फेंक देंगे। चटनी बना दो नारियल की तो वो भी नहीं खाएंगे सब। समझ में नहीं आता क्या क्या दे क्या ना दे इन लोग को। ऐसे ही तो कटेगा जब 1-2 साल, तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लेके जाना है टिफिन में, तो वह अपना खाएंगे बनाएंगे, या फिर थोड़े बड़े होंगे तो अपने हाथ से बना के खाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी आराम मिल जाएगा ना। फ्रेंड्स इतना सारा आइटम मैंने दिया था टिफिन में, और बीरू अभी भी कुछ नहीं खा रही है, पता नहीं क्या सोच रही है, क्या सोच रही है मेरा बच्चा। बीरू खा लेना मेरा बच्चा, छुट्टी हो गई, दोनों बच्चे आ गए हैं, मैं कैंटीन में बैठी हूँ, मैं कहीं मुँह ही खा लो जितना खाना है तब चलेंगे। बारिश भी हो रहा है फ्रेंड्स, जो छुट्टी होती है ना त्यो बारिश होती है, छाता दे दिया था। छाता यार कितना लोगे यार, बैग वैसे ही भारी है, छाता कितना ढोओगे, छाता उड़ जाएगा स्कूटी पर से, रेनकोट लाना है, रेनकोट भी क्या करेंगे। खा लो हलवा, उसको खिलाओ बीरू को, बीरू खा ले मेरा बच्चा, देखे ना इतना सारा मैंने पूरा टिफिन बचा हुआ है, मैंने कुछ छुआ ही नहीं है बीरू ने, कुछ नहीं। बहुत ख़राब लगता है बच्चे जब खाना नहीं खाते हैं।
चल जो खाना है खा ले, एप्पल खा ले। ऑमलेट तो मैं बना के ले आई थी लेकिन नहीं खाई है बीरू। ये हलवा है सूजी का, ये भी नहीं खाई। चला जाए बीरू, घर चलें। तुम नहीं खाओगे तो घर नहीं जाएंगे, बोलो। दोनों बच्चों की छुट्टी हो गई फ्रेंड्स, आ गए दोनों बच्चे कैंटीन में और मैं टिफिन खोल के दे दी हूँ। मैं कहीं जितना खाना है खा लो उसके बाद ही चलेंगे, क्योंकि जो बचा हुआ है टिफिन में ना वो ख़त्म होना ज़रूरी है। मोहित तो ख़त्म कर रहा है लेकिन बीरू नहीं ख़त्म कर रही है। बीरू एकदम से ना मुझे रुला मार रही है कि क्या मैं दूँ उसको टिफिन में कि वो खा सके। बीरू तू खुद बता, तुझे क्या चाहिए, मसाला डोसा चाहिए कि छेदू वड़ा चाहिए? मेदू वड़ा चाहिए कि छेदू वड़ा चाहिए? मसाला डोसा क्या है? मसाला डोसा आलू वाला मसाला भर के। चलते हैं फ्रेंड्स घर पे और वीरू को दाल चावल दही खिलाऊंगी। आगे देखती हूँ क्या क्या खाएगी।